देखिए, इसमें आपको जो प्लानिंग अभी दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपको 3 बेडरूम का बिल्डिंग प्लान के बारे में जो जानकारी है आपको मिलेगा। और इसमें आपको 3 रूम, 2 अटैच बाथरूम लैट्रिन, 1 किचन एंड 1 कॉमन बाथरूम लैट्रिन, मेन गेट एक अच्छा सा हॉल रूम और स्टेयर, इधर आप इधर पोर्च एरिया, ऐसे कुछ आपको फाइनली फर्स्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद जो विंडो है, आपको इधर जो गैप दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपको विंडो, इधर विंडो, ओके। उसके बाद इधर तो एक एक रूम के अंदर आपको इधर वेंटिलेटर, रूम के अंदर इसका मेजरमेंट भी आपको देखने को मिल जाएगा, वेंटिलेटर। विंडो, वेंटिलेटर, उधर विंडो, ओके। उसके बाद कॉलम, ऐसे कुछ कॉलम एरिया, टोटल नंबर ऑफ कॉलम आपको कितना मिलेगा देखिए। इधर टोटल आपने पहले 8 नंबर्स कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद इधर कॉलम, नेक्स्ट इधर कॉलम, नेक्स्ट इधर कॉलम, इधर कॉलम, इधर कॉलम, ऐसे कुछ कॉलम का जो पोजीशन है आप ऐसे सेट कर सकते हैं। तो उसमें देखिए ऐसे रहेगा। तो उसके बाद देखिए जो रूम है, इधर 12x13 का फर्स्ट बेडरूम, अटैच बाथरूम लैट्रिन, इधर इधर भी बेडरूम 2 12x13 का बेडरूम देखिए, ओके इधर। उसके बाद देखिए इधर है गया किचन, डोर, डोर इधर T1, इधर डोर। तो बेडरूम 12x13, 3 बेडरूम है, इसमें किचन 12x7 फिट 4, ओके। इसमें आपको देखिए जो स्टेयर एरिया है 13 फिट इतना मिलेगा, बाकी तो आपको इधर से मिल जाएगा 8 फिट 11 फिट 4 इंच का, ऐसे रहेगा। तो 35x35 फिट 1225 स्क्वायर फिट होम डिज़ाइन, और इसका कॉस्ट 24 लाख प्लस आ जाएगा। कॉलम इसका 10x12 इंच का कॉलम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पूरा डिज़ाइन आपको अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कर सकते हैं, ठीक है।